સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના એસપીનું પીએસઆઈના મોત અંગે નિવેદન છેલ્લા 8 મહિનામાં એસએમસીમાં ફરજ બજાવતા પીએસઆઈનું અવસાન થયું છે। 8 વાગે બાતમી મળી હતી કે ખાનગી વાહનમાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી થવાની છે। પીએસઆઈ પઠાણ પોતાની ટીમ અને 4-5 તે સ્થળો સાથે તે સ્થળ પર ગયા હતા। કોર્ડનિંગની પ્રોસેસ કરતા પીએસઆઈની ટક્કર થઈ અને મોત થયું છે। अकस्मात में पीएसआई ना मौत मामले पुलिस से 8 टीम बनावी। अकस्मात सर्जना ट्रेलर और बुटलेगर की कार शोधवा माटे अलग अलग टीमों ने जवाबदारी सौंपाई है। 70 किलोमीटर सुधीना विस्तार में सीसीटीवी फूटेज की चकासणी बातमीदारों की पण लेवाई रही है मदद। पीएसआई ना अवसान पर गृहराज्य प्रधान हर्ष संघवीए व्यक्त कर्यु दुख। ट्वीट कर लख्यू गुजरात पुलिस एक कर्मनिष्ठ बहादुर अधिकारी गुमाव्या है। दारूबंदी सामेनी लड़ाई में जीवन न्यौछावर करनार बहादुर अधिकारी ने श्रद्धांजलि साथे पीएसआई ना परिवार ने पण गृहराज्य प्रधाने सांत्वना पाठवी छे। पीएसआई ना अकस्मात की तपास माटे 8 टीमों बनावाई छे। अकस्मात सर्जना ट्रेलर और बुटलेगर की कार शोधवा माटे अलग अलग टीमों ने जवाबदारी सौंपाई छे। सुरेन्द्रनगर डीवायएसपी ना नेतृत्व में 8 टीमों बुटलेगर की शोधखोळ हाथ धरी। खानगी बातमीदारों की पण लेवाई छे मदद। घटनास्थल थी 70 किलोमीटर विस्तार सीसीटीवी फूटेज नी पण चेक करवामां आवी रह्या छे। शहीद पीएसआई जावेद खान पठाण ने अपायु गार्ड ऑफ ऑनर। गुजरात पुलिस की परंपरा मुजब अपाई अंतिम सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर समय पुलिस ना उच्च अधिकारी हाजर रहा। उच्च पुलिस अधिकारी परिवार ने सांत्वना पाठवी छे। सुरेन्द्रनगर में पीएसआई मौत की घटना ने नौशाद सोलंकी दुखद गणावी है। उपरांत कायदो व्यवस्था पर उठाया है सवाल। कहू के गुजरात में कायदो व्यवस्था की स्थिति पड़ी भागी है। ड्रग्स माफिया बुटलेगरो बेफाम बनिया हो स्थिति सर्जाई तेवा पण आक्षेप कर्या। बुटलेगर की टक्करे पीएसआई मौत मामले गैनीबेन निवेदन। गुजरात में बुटलेगर बेफाम बनिया है। अनेक वक्त उदाहरण जोया है। प्रजा तो सलामत नहीं ज दुष्कर्म रोज रोज थाय से हवे तो पुलिस तंत्र पण सलामत नहीं। 3 નવેમ્બરે ફરિયાદીના ઘરમાં ઘૂસીને લુખા તત્વોએ તોડફોડ કરી હતી। અગાઉ 1 નવેમ્બરે થયેલી માથાકૂટને લઈ નોંધાઈ હતી ફરિયાદ। કાર્યવાહી કરવાને બદલે પોલીસ મુખ પ્રેક્ષક બની હોવાનો આરોપ છે। અનેક પ્રયત્ન છતાં પોલીસ ફરિયાદ ન નોંધતી હોવાનો પણ ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો છે। પોલીસની નિષ્ક્રિયતાના કારણે અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યાનો આરોપ છે। भरूचना शंखवाड़ गामे गौ हत्या ने मामले तंगदीली नो माहौल छे। गौ हत्या की घटना बाद शंखवाड़ गामना लघुमती परिवारों अन्य स्थले जता रहा तो अजंपा भरी स्थिति वच्चे लघुमती परिवारों ना घर तेना पर ताळा लटकता जोवा मळ्या छे। गामना अनेक घरों सुमसाम बन्या छे। गौ हत्या ना केस में 6 लोगों की धरपकड़। नवेम्बर महीना अंत में ठंडी पड़वानी संभावना है। हवामान निष्णात अंबालाल पटेल की आगाही है। डिसेम्बर प्रथम सप्ताह में ठंड की शुरुआत होते 22 डिसेम्बर पछी भारे ठंडी पड़े। 17-20 नवेम्बर सुधी अरबी समुद्र में लो प्रेशर बनवानी शक्यता है। लो प्रेशर ना कारणे गुजरात पंजाब हरियाणा तेमज राजस्थान सहित राज्यों में सर्जाई शके छे मावठानी स्थिति। 22 डिसेम्बर बाद महत्तम तापमान 34-35 डिग्री रहेशे। खेत पाकोना नुकसान मुद्दे परशोत्तम रूपालानुं निवेदन। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलनी हाजरीमां खेडूतोनी मुश्किली अंगे वात करी छे। कह्युं हमणां ज एक पेकेज आप्युं छे अने बीजा माटे उदार हाथे सर्वे करावी रह्या छे। वाव पेटा चूंटणीने लई भाभरमां कोंग्रेसनुं शक्ति प्रदर्शन। भाजपना स्नेहमिलन बाद कोंग्रेसे पण स्नेहमिलन थकी शक्ति प्रदर्शन कर्युं छे। सांसद गेनीबेन ठाकोर अमित चावड़ा सहितना गुजरात कोंग्रेसना आगेवानो हाजर रह्या। भाजपना शक्ति प्रदर्शन सामे कोंग्रेसना शक्ति प्रदर्शनथी चूंटणी माहौल जाम्यो छे। तो वाव बैठक थी वायनाड सुधी कांग्रेस ने जीताड़वा गेनीबेन नो हुंकार छे। शक्ति प्रदर्शन में हाजर लोगों ने 13 तारीखे कांग्रेस ने मत आपी जीताड़वा अपील करी छे। वाव पैकी भाभर में ज 50,000 जेटला ठाकोर मतदारों छे। भाजप अने कांग्रेस बन्ने ना ठाकोर मतदारों ने रिझवा एड़ी चोटी ना प्रयास। तो वाव विधानसभा बैठक जीतवा कांग्रेस तैयारी शुरू करी छे। एक्शन मोड में छे। 100 વધુ પૂર્વ ધારાસભ્યોને સોંપાઈ છે જવાબદારી। સિનિયર નેતાઓ અને હોદ્દેદારોને પણ જવાબદારી સોંપાઈ છે। 8 જિલ્લા પંચાયત અને 1 નગરપાલિકાનો મોરચો સિનિયર નેતાઓ સંભાળશે। જે વિસ્તારમાં જે સમાજનું પ્રભુત્વ છે ત્યાં તે સમાજના આગેવાનોને ભૂમિકા સોંપાશે। અમરેલીમાં સાવરકુંડલા એએમસીના કાર્યક્રમમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા। લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સહિત પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કર્યું છે। सीएम भूपेन्द्र पटेले जाहिर सभा ने संबोधन कर्यू। दिलीप सांघाणी सांसद भरत सुतरिया परशोत्तम रूपाला सहित नेताओं तेमज शहरीजनों हाजर रहा। राजकोट में नागरिक सहकारी बैंक की चूंटणी। फॉर्म भरेला सहकार पैनल 21 डिरेक्टर उम्मीदवारों ने भाजपा समर्थन। राज्यसभा सांसद राम मुकरिया धारासभ्य दर्शिता शाह सहित नेताओं उपस्थित रहा। बैंक सीनियर
ज्योतिन्द्र मेहता टपू लिंबसिया पण हाजर रहा था। विवादों वच्चे बैंक की चूंटणी बिनहरीफ थाय तेवा वीएचपी अने संघना प्रयासों। नागरिक सहकारी बैंक में मामा भाणिया वच्चे सत्ता की लड़ाई। ज्योतिन्द्र मेहता भाणेज कल्पक मणियारे चूंटणी जाहिर थया पहला ज वीडियो वायरल करी बैंक पर लगाव्या हता आरोप। तो ज्योतिन्द्र मेहताए आरोप ने पाया विहोणा गणाव्या छे। बैंक इंचार्ज चेरमेन जिमी दक्षिणीए पण आरोप ने फगाव्या छे। वीडियो वायरल कर्या बाद कल्पक मणियार पण भूगर्भ में जता रह्या। दाहोद में दिल्ली बॉम्बे नेशनल कॉरिडोर मुद्दे फरी खेडूतोए विरोध नोंधाव्यो छे। लिखित में बाहेंधरी आपी छतां वळतर न मळता खेडूतो आक्रमक मूड में छे। मूलभूत सुविधाओ पण न मळता खेडूतोए फरी सरकार सामे वांधो अने बायो चढ़ावी छे। अने 6 नवेम्बरे झालोदना 14 गामना खेडूतो कॉरिडोरनुं काम बंद करावशे। 17 ऑक्टोबरे लिखित में बाहेंधरी छतां वळतर न मळ्यानो आरोप लगाव्यो। वडोदरा में शिनोर बार एसोसिएशन की पेन डाउन स्ट्राइक। शिनोर नामदार कोर्टना जजना विरुद्ध में चौक्स मुदत की पेन डाउन हड़ताल। वकीलों साथे उद्धताई भर्यू वर्तन कर्यू होवानो लगाव्यो छे आक्षेप। तो शिनोर बार एसोसिएशन प्रमुख मंत्री सहित वकीलों पेन डाउन स्ट्राइक में जोड़ाया। सूरत में रांदेर कतार गाम ने जोड़तो कॉजवे छेल्ला 4 महीना थी बंद छे। इतिहास में पहली वक्त 125 थी वधु दिवस थी कॉजवे पर अवरजवर बंद छे। चौमासु वीती गया बाद पण कॉजवे थई रह्यो छे ओवरफ्लो। अत्यार सुधी में शहर ने 5 वर्ष सुधी पाणी पूरू पाड़े एटलू पाणी वही गयू छे। हजू पण कॉजवे पर थी पाणी पसार थई रह्यु छे। दिवाळीना त्यौहार दरमियान सरकारी हॉस्पिटल में दर्दियों धसारो। खानगी हॉस्पिटल अने क्लिनिक बंद होवाथी सरकारी चौपड़े दर्दियों की संख्या में वधारो थयो छे। वडोदरानी एसएसजी हॉस्पिटल में छेल्ला 4 दिवस में 650 थी 700 ओपीडी नोंधाई छे। तो दिवाळी दरमियान 5 दिवस में 10 लोग फटाकड़ा कारण दाझियाना केस नोंधाया छे। त्यौहारों दरमियान श्वास संबंधित बीमारी 50 दर्दियों तेमणे सारवार लीधी छे। अकस्मातना केस में नजीवो वधारो थयो छे। रोड अकस्मात अने मारामारीनामां पण 40-40 केस नोंधाया छे। दाहोद में झालोदना भाजप नेता हिरेन पटेल हत्याकांड प्रकरण 4 वर्ष जेटला जेलवास बाद दाहोद सेशन्स कोर्टे अमित कटार इमरान गुड़ाला अजय कटार ने पण निर्दोष जाहिर कर्या छे। अगौ भाजपना काउंसिलर हिरेन पटेल सवारे वॉक पर हता त्यारे वाहन की टक्कर थी हत्या थई हती। गुजरात हाईकोर्टे 17 अठवाडियाना गर्भना गर्भपातनी आपी छे मंजूरी। सोला हाईकोर्ट पुलिस स्टेशन नी हदमां 27 वर्षनी युवती पर जून महीनामां दुष्कर्म थया अंगे नोंधायो हतो गुनो। जे बाद गर्भ रहता पीड़िताए हाईकोर्टमां गर्भपात माटे अरजी करी हती। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी एक्टनी जोगवाईने ध्यानमां राखीने हाईकोर्टे गर्भपातने मंजूरी आपी छे। ट्राफिकना कायदाना पालन अंगे आरटीओ अने पोलिस विभाग एक्शन में छे। ट्राफिकना नियमों अंगे सरकारना परिपत्रनो कड़काईथी कराशे अमल। नियमनुं पालन न करनारा 2500थी वधु लोकोना लायसेंस सस्पेन्ड थशे। हेलमेटना कायदानो अमल न करनारा लायसेंस धारकने पहेला नोटिस अपाशे। चलण अने लायसेंसना नंबरना आधारे आरटीओ कारवाई करशे। हेलमेटना कायदानुं 2થી વધુ ઉલ્લંઘન કરનારા સામે કાર્યવાહી કરાશે। પ્રથમ તબક્કામાં લાયસન્સ 3 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરાશે। લાયસન્સ સસ્પેન્ડ થયા બાદ વાહન ચાલક નહીં ચલાવી શકે વાહન। હેલમેટ ન પહેરનારા સામે કાર્યવાહી કરવા અગાઉ કોર્ટે પણ સરકારે કરી હતી ટકોર। સુરતની વીર નર્મદ યુનિવર્સિટીમાં ઘટ્યા છે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ। તો નેકનો ગ્રેડ B++ તથા વિદેશી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે। હાલ યુનિવર્સિટીમાં માત્ર 4 જ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા છે। યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ પહેલા નેકના ગ્રેડને મહત્વ આપી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ। સુરતમાં છઠ પૂજાના તહેવારની ભવ્ય ઉજવણીની તૈયારીઓ। 20 જેટલા સ્થળો પર છઠ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તાપી માતાને સૂર્યની પુત્રી મનાતી હોવાથી પૂજા અર્ચનાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે। તો ડભોલી સ્થિત કોઝવે પર છઠ પૂજા માટે નદી કિનારે માટીની અનેક 1000 ડેરીઓ બનાવવામાં આવી છે। ઉપરાંત મંડપ સહિતની વ્યવસ્થાઓ પણ ઊભી કરાઈ છે। હુમલાબાદ વન વિભાગે સિંહણને પાંજરે પૂરી છે। માનવભક્ષી સિંહણને પાંજરે પૂરવામાં વન વિભાગને મોટી સફળતા મળી છે। વન વિભાગે આખી રાત હાથ ધર્યું હતું મેગા ઓપરેશન। વહેલી સવારે સિંહણને ટ્રેન્ક્યુલાઇઝ કરી દબોચી લીધી હતી। સિંહણને પાંજરે પૂરી એનિમલ કેર સેન્ટરમાં ખસેડાઈ ડીસીએફ સહિત ડોક્ટરોની ટીમ અને ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી ખડે પગે રહ્યા। भावनगर में नकली पीएसआई बनी रॉक जमावता इसमों विरुद्ध फरियाद दाखल करवामां आवी छे। तपासना नामे वाहन चालकों पासेथी करता हता तोड़। नकली पीएसआई नो वीडियो पण वायरल थयो हतो। वीडियो कार्याधार गौशाला रोड नो होवानो एफआईआर में उल्लेख छे। भरूच में चोर की अफवाह घातक हथियारों साथ फरता 6 की धरपकड़ है। चोर ने डरावा हथियारों साथ जाहिर में फरता होवानो वीडियो वायरल थयो हतो। वीडियो जीआईडीसी पुलिस ध्यान पर आता
गुनो दाखल करी तमाम विरुद्ध कार्रवाई हाथ धरवामां आवी। दाहोदना लीमखेड़ा ज्वेलर्स में चोरी नो प्रयास, झालोद रोड पर ज्वेलर्स में पाछळना भागे बाकोरू पाड़ी चोरी करवानो प्रयास, बाकोरू पाड़ी माटी आवी जता चोरी नो प्रयास निष्फळ रह्यो छे। सीसीटीवी कैमरा में चोरी नो प्रयास करता तस्करो कैद थया छे।